कक्षा 11 की केमिस्ट्री में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 11 में आपका चैप्टर नंबर सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, देखेंगे कि जो परमाणु की संरचना है वो किस प्रकार हुई है ना। तो देखिए, ये सभी को पता है कि जो पदार्थ है, पदार्थ का बोला जाता है कि जो पदार्थ है उसका जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, परमाणु। ठीक है ना, कई 4000 ईसा वर्ग ईसा पूर्व ये बातें बोली जाती थी कि जो परमाणु ही पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है ना, ऐसी बोले जाता था। लेकिन इस बात का कोई सैद्धांतिक प्रूफ नहीं था। बोलते थे कि क्या है, एटम ही क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। लेकिन बाद में क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में, ठीक है ना, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में आपके जो जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था, जॉन डाल्टन थ्योरी, उसमें ये बात उन्होंने साबित करके बताई कि जो एटम है इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, यानी जो एटम है वो सबसे छोटी इकाई है किसकी, पदार्थ की, है ना। उन्होंने कई सैद्धांतिक प्रूफ दिए, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कि मास कैन नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो कांस्टेंट रहता है। रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो उतना ही मास उस समय था, उतना ही मास उस वहाँ पे बरकरार रहता है, नहीं वो उसमें बिखरता है, नहीं वो नया बनता है। और भी इसी तरीके के उन्होंने क्या किए थे, कई लॉ को उन्होंने इस अपने जो थ्योरी थी उससे प्रूफ किया था। लेकिन ये जो थ्योरी थी जॉन डाल्टन की, कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर है, ये कई हर जगह अप्लाई नहीं हुई। कुछ ऐसे चीजें थी जहाँ पे ये अप्लाई होना बंद हो गई। जैसे कि अगर हम जो ग्लास रॉड है, इबोनाइट रॉड है, उसको रब करते हैं किसी सिल्क या फर के क्लोथ से, तो उसमें क्या आता था, उसमें जो ऋण है यानी जो चार्ज है वो उसमें चार्ज पाया गया है ना, देखा गया कि उसमें चार्ज है। तो ये चार्ज कहाँ से है, जब एटम ही सबसे छोटा पार्ट है किसी मैटर का, तो चार्ज किस में है। तो यहाँ से ये चीजें सामने आने लगी कि नहीं, एटम सबसे छोटा पार्ट नहीं है, एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम दिया गया, और इन्हीं की डिस्कवरी वहां से शुरू हुई। तो आज सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी खोज किस प्रकार हुई थी, है ना। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किसने की थी, जे जे थॉम्सन ने। जे.जे. थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। वैसे काफी सारे वैज्ञानिक थे जो इस एक्सपेरिमेंट में उनके साथ थे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे.जे. थॉम्सन ने की थी। श्रेय इलेक्ट्रॉन की खोज का जे.जे. थॉम्सन को ही जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, कैथोड किरण विसर्जन नलिका। क्या किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक, कैथोड किरण विसर्जन नलिका। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्लास रॉड, एक ग्लास की ट्यूब ली, ग्लास की नलिका ली, और ये आप सामने देख रहे हैं अपने फिगर में, ग्लास की नलिका में इन्होंने ग्लास के दो सिरे पे दो इलेक्ट्रोड पुट करी। एक को इन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड, और एक को इन्होंने क्या नाम दिया, एनोड। ये एनोड है और इस तरफ क्या है, कैथोड है। कैथोड को अब दोनों को इन्होंने ग्लास ट्यूब के अंदर दो सिरे में रखा और दोनों को इन्होंने एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया। जो कैथोड है उसको नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया और जो एनोड है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया, और इनके बीच में क्या करा, हाई हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई विभवांतर इन्होंने क्या किया, अप्लाई किया 10,000 से लेके 30,000 वोल्ट के बीच का, ठीक है ना, 10,000 से लेके 30,000 वोल्ट तक का इन्होंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच क्या किया, अप्लाई किया, ठीक है ना। और इन्होंने जो
ग्लास ट्यूब आपको दिख रही है, उसके पीछे पीछे वजह स्क्रीन है, यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट की कोटिंग की है, फ्लोरेसेंट कोटिंग की है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कहते हैं, फ्लोरेसेंट कोटिंग इन्होंने यहाँ पर की है। ये करने के पीछे इनका एक कारण था जिसको आप अभी आप सामने पाएंगे। और दूसरा, इन्होंने जो एनोड है, एनोड में क्या कर दिया, इन्होंने छोटे छोटे होल्स किए, छोटे छोटे छिद्र किए, होल्स किए, जिसका भी अभी आपको आगे रीजन पता चलेगा। उसके बाद इन्होंने जो ग्लास ट्यूब है, ग्लास की नलिका है, उसमें इन्होंने एक वैक्यूम पंप लगाया, इस तरीके से वैक्यूम पंप लगाया ताकि इससे सारी की सारी जो एयर है इसको क्या कर पाए, बाहर पंप आउट कर पाए। पंप आउट करने का क्या मतलब था कि ये जो यहाँ पर जो जो भी पार्टिकल्स हैं उन पे जरा सा भी प्रेशर अप्लाई ना हो, तो गैस जो गैसेस होती हैं, क्योंकि एयर में काफी सारी गैसेस होती हैं और गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, उस प्रेशर को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, वैक्यूम पंप यहाँ पर अप्लाई किया, गैसेस एग्जर्ट प्रेशर, ठीक है ना। और इन्होंने इसमें वेरी लो प्रेशर की क्या करी, गैस भरी है, कितनी, 10^-3 mm ऑफ Hg, 10^-3 mm ऑफ Hg की इन्होंने क्या करी, इसमें गैस भरी है, ठीक है ना, इसमें गैस भरी है, और जो एयर थी उसको क्या कर दिया, पंप आउट करके वैक्यूम क्रिएट किया, और वेरी लो प्रेशर में, बहुत ही कम दाब में, इन्होंने कितना दाब लिया, 10^-3 mm ऑफ Hg, इतना इन्होंने गैस ली, और इसको क्या किया, फिर कनेक्ट किया। कनेक्ट करते हैं, होता क्या है, होता क्या है कि जो ये आपके पास कैथोड है, ये किसकी रॉड है, मेटल की रॉड है, ये आपके पास मेटल की रॉड है, मेटल का इलेक्ट्रोड है, धातु की इलेक्ट्रोड है। जब इसे कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि जो कैथोड है, कैथोड से कुछ किरणें क्या होने लगती है, कुछ किरणें निकलती है, कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं, और ये किरणें क्या है, नेग्लिजिबल होती है, मीन्स हम इनको देख नहीं पाते, तो पता कैसे चलता है कि किरणें निकल रही, पीछे जो हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी, ठीक है ना, ये वहां पे जाके हिट कर रही है। अब सामने क्या है, एनोड का इलेक्ट्रोड है, तो इसलिए हमने क्या किए थे, उसमें छेद किए थे ताकि जो रेज है वो इससे पास होके वे पीछे जाके स्क्रीन में हिट करे, और जब ये स्क्रीन में हिट करती थी तो यहाँ पे आपको क्या था, ग्रीनिश ग्रीनिश येलो कलर का क्या होता था, स्पॉट दिखाई देता था, ग्रीनिश येलो कलर का स्पॉट दिखाई देता था, है ना। देखिए कैथोड रे ट्यूब, ये हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन होती है उस पे भी ये क्या लगी होती है ना, कभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पे लगी होती है, वहीं पे जब चीजें जाके हिट करती है तो ही वो क्या होती है, विजिबल होती है। तो इस तरीके से ये जो कैथोड रे है इससे निकल रही थी और ये क्या कर रही थी, इसको हिट कर रही थी। तो कैथोड की जो किरणें हैं वो कहाँ से निकल रही थी, नेगेटिव पोटेंशियल से निकल रही थी, क्योंकि हमने कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो हमने बोला कि दे आर नेगेटिवली चार्ज, ये जो कैथोड रे हैं, जो कैथोड रे हैं, हमने बोला कि दे आर नेगेटिवली चार्ज, कैथोड रे कैसी है आपकी, नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज है आपकी, नेगेटिवली चार्ज यानी इनपे ऋणात्मक है ना, इसमें क्या ऋणात्मक चार्ज है, तो इस तरह की थी आपकी, इससे क्या निकली, कैथोड रे निकली। इतना सभी को समझ में आया होगा, ठीक। अभी जो कैथोड की किरण है उसके कुछ क्या है, कुछ गुण थे जो कैथोड की किरण में, कुछ मुख्य गुण दर्शाए अपने कि क्या क्या उनके गुण थे, तो कैथोड किरणों के मुख्य गुण, ठीक है ना। सबसे पहला कि जो कैथोड की किरणें हैं, कैथोड की किरणें सीधी रेखा में चलती है, जो कैथोड की किरणें थी सीधी रेखा में चलती थी। तो देखिए कैसे सीधी रेखा में चली, ये हमने कैथोड की किरणों के बीच में ये इस तरीके से एक मेटल क्रॉस हमने रखा, ठीक है ना। जब कैथोड की किरणों के बीच में हमने मेटल क्रॉस रखा तो हमने देखा पीछे इस मेटल क्रॉस की शेडो बनने लगी, पीछे स्क्रीन पे इस मेटल क्रॉस की शेडो बनने लगी। तो यहां से ये बात इन्होंने साबित की कि जो कैथोड की किरणें होती है दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सीधी रेखा में चलती है, ठीक है ना। एक बात इन्होंने यहां से ये साबित करी, ठीक है ना। दूसरा क्या बोला इन्होंने कि कैथोड किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है, जो कैथोड की किरणें होती है दे आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ये बात कैसे साबित की कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, जो एक्सपेरिमेंट किया था उस समय
ये बात कैसे पता चली? हमने क्या किया, जो कैथोड रे हैं उनके बीच में हमने एक लाइट पैडल व्हील रखा, यानी व्हील होता है पैडल व्हील, उसको इनके रास्ते में रखा। जब कैथोड की किरणें इससे निकली तो उन्होंने क्या किया, इस जो लाइट पैडल व्हील है इसको इन्होंने क्या करने लग गया, रोटेट किया। इस पैडल व्हील को इन्होंने क्या किया, रोटेट किया। ये पैडल व्हील रोटेट करने लगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ किरणें निकल रही हैं, कुछ ना कुछ किरणें निकल रही हैं। जो कैथोड रे, हमें पता चल रहा था कि वहां पे पीछे स्पॉट बन रहा था, ग्रीन शिल्लो, किरणें निकल रही है। तो इतने सारे जब ये छोटी छोटी किरणें बनी होंगी तो ही तो ये क्या कर रही होंगी, जो पैडल व्हील है उसको क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। उस पैडल व्हील को क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि जो कैथोड किरणें होती है दे आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जो इस पैडल व्हील को क्या कर रही है, इस पैडल व्हील को रोटेट कर रही है दो बार, ठीक है ना। अगली बात, तीसरी बात, कि कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा होती है। जो कैथोड की किरणें हैं उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पॉजेस बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन के कारण जब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पार्टिकल मोशन में होती है, तो मोशन में होने पे उस टाइम जो उसके पास एनर्जी होती है वो क्या कहती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो देखिए जब वो जो वेरी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे कैथोड रे के, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने कैथोड रे, जब चलेंगी है ना, यानी मोशन में होंगी, तो उनके पास ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होंगी, जिस वजह से वो क्या कर पा रही होंगी, इस पैडल व्हील को क्या कर रही है, रोटेट कर पा रही है। इस पैडल व्हील को क्या कर पा रही है, रोटेट कर पा रही है। तो पैडल व्हील रोटेट होने का क्या मतलब है, कि दे पॉसेस, जो कैथोड रे हैं दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी, उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। वो कैसे साबित हो रहा है, कि वो इस पैडल व्हील को क्या कर पा रही है, रोटेट कर पा रही है ना। आई थिंक इतना आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी उनमें क्यों है। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताई क्या होती है, कि मोशन के कारण जो उनमें एनर्जी पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, कि कैथोड किरणें विद्युतीय एवं चुंबक के क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। जो कैथोड की किरणें हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से क्या करती है, किस तरह से विक्षेपित होती है, डिफ्लेक्शन किस तरीके से करती है, किस तरीके से डिफ्लेक्शन कर पाती है। तो सबसे पहले आप देखो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कैथोड रे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कैथोड रे। कैथोड रे में इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरीके से हो रहा है, देखिए इस तरीके से। जब कैथोड रे निकली, हमने जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा, तो देखिए कैथोड रे किस तरफ डिफ्लेक्ट होने लगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होने लगी, डिफ्लेक्ट होने लगी। ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगी, कैथोड की जो रेज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगी। तो यहाँ से एक बात और ये साबित हो रही है, कि जो कैथोड रे है वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज नहीं होती तो कैसे, अगर कैथोड रे आपकी नेगेटिवली चार्ज नहीं होती तो कैसे क्या कर पाती, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती। पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मुख्य कारण क्या है, कि दे आर नेगेटिवली चार्ज। वो कैसी है, वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज है। तो कैथोड की किरणें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित हो जाती है, उस तरफ डिफ्लेक्ट होने लगती है। सेम प्रकार से आप देखेंगे कि जो कैथोड की किरणें हैं, कैथोड की किरणें वो मैग्नेटिक फील्ड में भी इसी तरह से वो डिफ्लेक्ट करने लगी, मैग्नेटिक फील्ड में भी वो क्या करने लगी, इसी तरीके से डिफ्लेक्ट करने लगी, ठीक है ना, इसी तरीके से वो क्या होने लगी, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करने लगी, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हमने अभी तक चार बातें देखी। पहली बात है, जो कैथोड की किरणें होती है, कैथोड की किरणें होती है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कैथोड की किरणें स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। दूसरी बात हमने देखी, जो कैथोड की किरणें हैं वो आपके उनमें वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, दे आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनोट पार्टिकल्स, वो बहुत छोटे टाइनोट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तीसरी बात हमने ये समझी कि जो कैथोड की किरणें होती है दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और वो कैसे साबित हो रही थी, कि वो उस पैडल व्हील को क्या कर पा रही थी,
उस पैडल व्हील को रोटेट कर पा रही थी, तो जिस वजह से हमने देखा कि उनका उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है ना, चार बात आपने ये सीखी। देखिए पांचवी चीज क्या है कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। जो कैथोड की किरणें हैं वो इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, उस पे वो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। कैसे निर्भर नहीं करती? ये आप किसी भी तरीके के इलेक्ट्रोड ले लें, किसी भी तरीके की इलेक्ट्रोड ले लें आप, किसी भी तरीके के आप उसमें गैस ले लें, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है ना, वो उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। ये कैसे साबित हुआ, ये किस तरीके से साबित हुआ? आपका जो आपके एक मिलिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट किया था, तो मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या किया था, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उस चार्ज को निकाला। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर के जो चार्ज है उसे निकाला और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बताया, जिस वजह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन इज टू चार्ज का रेशियो निकाला। उन्होंने पाया आपके मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की जो तेल बूंद प्रयोग कहलाती है, मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट कहलाती है। तो उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कितना आवेश पाया उन्होंने, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, इतना उन्होंने पाया। ठीक है, और विद्युत आवेश का जो नवीनतम मान था, विद्युत आवेश का नवीनतम मास आपके पास लगभग इतना आया था। ठीक है ना, इतना आया था। तो जो थॉमसन है उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन इस टू मास का जो रेशियो आया, ठीक है ना, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन इस टू मान का जो रेशियो आया था आपके पास, वो जो उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना बताया, 9.1 × 10⁻³⁹ kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, इस तरीके से उन्होंने बताया और कहा कि इनका जो रेशियो होता है, यानी इनका रेशियो जो होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन और मास, इलेक्ट्रॉन इस टू चार्ज का जो रेशियो होता है थॉमसन के अनुसार 1.75 × 10⁻¹⁹ कूलम kg इनवर्ट। इतना उन्होंने निकाला और कहा कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो आप किसी भी तरीके के इलेक्ट्रोड लें, किसी भी तरीके में उसमें गैस लें, ये जो रेशियो है ये इतना ही मेंटेन रहेगा, ये जो रेशियो है इतना ही मेंटेन रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ये बात साबित हो रही है कि जो कैथोड की किरणें हैं वो इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, वो आपका ई चार्ज इस टू मास के रेशियो से ये साबित हुआ है। ठीक है ना, चार्ज इस टू मास के रेशियो से ये साबित हुआ है। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि जो ये गुण पढ़ने के बाद, जो हमने पांच गुण पढ़े कि जो कैथोड की किरणें हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, कैथोड की किरणें क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। एटम के अंदर क्या है, एक ऐसा पार्टिकल पाया गया जो बोला गया इलेक्ट्रॉन है, वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि वो क्या हो रहा था, नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था, है ना, वो क्या हो रहा था, नेगेटिव प्लेट की तरफ, वो क्या हो रहा था, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, जिससे यह साबित हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। इस तरीके से हमने कंक्लूजन निकाला और थॉमसन ने यह तर्क दिया आपका, थॉमसन ने क्या दिया, यह तर्क दिया कि कण पर ऋणवेश का मान अधिक होने पर विद्युत और चुंबक के क्षेत्र के साथ क्या हो जाती है, क्रिया बढ़ जाती है,
इस प्रकार वो क्या करते हैं, अधिक विचलन उनमें होता है, ठीक है ना, अधिक विचलन होता है, और कण का द्रव्यमान कण के हल्का होने से विचलन अधिक होने लगता है। क्या होने लगता है, जो विचलन है क्या होने लगता है, वो अधिक होने लगता है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला, जो कैथोड की किरणें हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कैथोड से आरंभ होके एनोड की तरफ क्या करती है, एनोड की तरफ जाती है, ठीक है ना, एनोड की तरफ जाती है। तो इस तरीके से जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, इस तरीके से क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ठीक है ना, जो रेस थी स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी है उनके पास, है ना। तो ये सारी की सारी बातें इन्होंने क्या की थी, साबित की थी, और यहाँ से जो हम बता रहे हैं इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, है ना, कैथोड एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इस पूरे सेटअप के द्वारा, फिर यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला। क्योंकि जो मेटल है, मेटल किससे मिलके बना हुआ है, मेटल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पदार्थ की बात, मैटर की, तो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, यानी जितनी भी चीजें हैं हमारे पास वो सारे के सारे उनमें एटम होगा, सारी सारी चीजों में एटम है, और एटम के अंदर की चीज हम अभी निकाल रहे हैं, यानी एटम के अंदर क्या है, कुछ नेगेटिव तरीके की कुछ चीज है ना, कुछ नेगेटिव तरीके की चीज है, और उस नेगेटिव तरीके की चीज हमें कैसे पता चली, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चली ना कि वो नेगेटिव प्लेट से निकल रही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है ना। तो सारी की सारी बातों से यह कंक्लूजन थॉमसन ने निकाला, और उनके साथ जो अदर साइंटिस्ट थे, दैट एटम कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और उसको क्या नाम दिया, उसको नाम इलेक्ट्रॉन दिया, उसको क्या नाम दिया, उसको नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जाना कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की जेजे थॉमसन ने अदर साइंटिस्ट के साथ मिलके, ठीक है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब से। हमने यहाँ अलग अलग चीजों को देखा, अलग अलग चीजों को जाना, अलग चीजों को समझा, उनके गुण जाने कि वो जो कैथोड की किरणें हैं वो कहाँ से निकल रही थी, किधर जा रही थी, किस तरीके से वो ग्रीनिश येलो स्पॉट दे रही थी, क्या क्या वो प्रॉपर्टी करती थी, कैसे मूव करती थी, किधर डिफ्लेक्ट होती थी, ये बातें जानी, और इस बात से हमारे सामने एक कंक्लूजन निकला, है ना। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही, इसके बाद का हम अगली क्लास में समझेंगे। आई होप सभी को समझ में आया होगा।